कोरोना संक्रमण की इस महामारी के दौर में जहां हर जगह लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, वहीं हर विभाग के लोग अपनी लीक से हटकर संक्रमण फैलाव के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। वैसी स्थिति में धनबाद के निरसा थाना क्षेत्र के कई ऐसे कोयला तस्कर इस मौके का भरपूर फायदा उठाते हुए वृहद पैमाने पर कोयला तस्करी को अंजाम देने में दिन रात जुटे हुए हैं, जिसके विरोध में कानूनी कार्रवाई करते हुए पुलिस प्रशासन ने बीती रात निरसा SDPO विजय कुमार के नेतृत्व में निरसा थाना क्षेत्र अंतर्गत मुगमा मोड़ स्थित सुमित फ्यूल्स कोयला भट्टे में छापेमारी कर बड़े पैमाने पर हो रही कोयला तस्करी का पर्दाफाश किया। छापेमारी में पुलिस को लगभग 50 टन अवैध कच्चा कोयला सहित लगभग 50 टन जलता कोयला उक्त भट्टे में मिला। छापेमारी के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस की गश्ती दल, ECL सुरक्षाकर्मी सहित निरसा CISF की पूरी टीम मौके पर पहुंचकर जब्त अवैध कोयला को JCB लगाकर ट्रैक्टर और डंपर पर लोड कर साइडिंग पहुंचाया। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है तथा संबंधित कोयला तस्करों पर मामला दर्ज करने की प्रक्रिया भी की जा रही है। बता दें कि धनबाद में निरसा का कोयला चोरी का सेफ जोन माना जाता है, इसलिए प्रतिदिन पुलिस एक तरफ छापेमारी करती है तो 100 से 50 टन कोयला छापेमारी कर अपना काम करती है और कोयला चोर हजारों टन कोयला बेचकर अपना मुनाफा करती है। अब देखना है कि कब तक पुलिस इस धंधे पर विराम लगा पाती है और या इसी तरह ये धंधा फलता फूलता रहेगा। दो ट्रैक्टर अभी जब्ती हुई है और जैसे हर दिन की तरह छापेमारी चलते रहता है और कल ऐसे ही SDPO के नेतृत्व में अवैध कोयला तस्करी का छापेमारी हुआ और जब्ती किए और उसमें से कुछ बोरा वोरा मिला है और ऐसा चलते रहेगा, छापेमारी चलते रहेगा। जहां भी अवैध रूप से कारोबार चल रहा है या अवैध रूप से तस्करी चल रहा है उनका छापेमारी हो रहा है। लगभग कितना माल हुआ है? किसका भट्टा है? सुमित प्योल का भट्टा है स्टेशन रोड। छापेमारी कब हुई थी? कल रात में हुई थी, दिन में भी हुआ, रात से अभी तक चल रही है, अभी जब्ती हो रही है।